नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। श्रम विभाग में 2500 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मेले के द्वारा अभी तक कुल 14,990 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। बता दें, विभाग द्वारा फरवरी के अंत में रामगढ़ और मेदिनीनगर स्थित जिला नियोजनालय परिसर में रोजगार मेला लगेगा। 27 फरवरी को रामगढ़ और 28 फरवरी को मेदिनीनगर में होने वाले इस मेले में करीब 2500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेदिनीनगर में आयोजित मेले में 2060 पदों पर और रामगढ़ में करीब 492 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रोजगार मेले में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी ताकि योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार मेले के लिए जिले के सभी नियोजन पदाधिकारी को टास्क दिया गया है। अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे राज्य के किसी भी जिले में स्थित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हों। बता दें, श्रम विभाग द्वारा रोजगार मेले से अभी तक 14,990 पदों पर रोजगार दिलाया गया है। बोकारो में जंगली हाथी का आतंक 3 महिलाओं को मार डाला। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक झुंड से बिछड़े जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध व 2 महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ललपनिया थाना क्षेत्र के कुंदवाटांड पंचायत के कुंदवाटांड गाँव के सनू मांझी उर्फ बहरा मांझी करीब 60 वर्षीय व ललपनिया पंचायत के ललपनिया गांव की मंजरी देवी 30 वर्षीय तथा गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल पंचायत के चौलिया टाण गांव की सुहानी हेम्ब्रम 24 वर्षीय शामिल हैं। बता दें, सनू मांझी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मंजरी देवी को ललपनिया स्थित TTPS के अस्पताल के बाद गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व फिर बोकारो ले जाने पर तथा सुहानी हेम्ब्रम की गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चास स्थित सदर अस्पताल बोकारो में मृत घोषित किया गया। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में संताल परगना और उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई है। लिट्टीपाड़ा में 21 मिलीमीटर, महेशपुर में 12 व जरमुंडी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं हजारीबाग व चतरा में भी बारिश हुई। 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाके में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। बादल और बारिश के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। रविवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है। जैक बोर्ड पेपर लीक मामले में जांच शुरू। इंटरमीडिएट रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र वायरल मामले की जांच कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो वहां के केंद्राधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगले सप्ताह तक जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह कहना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का। बता दें, जैक की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक असर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैक के एक पदाधिकारी ने कहा है कि हर परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में बार कोड लगा होता है। किस बार कोड का प्रश्न पत्र किस जिले व केंद्र पर भेजा गया था, इसकी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को हुए इंटर रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के लगभग 17 मिनट पहले वायरल होने की बात सामने आ रही है। सीएम चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास के 24,000 लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडी में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में साहेबगंज, गोटा एवं पाकुड़ के 24,532 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने DBT के माध्यम से पहली किस्त की राशि के रूप में 73,59,60,000 रुपये का हस्तांतरण किया। उन्होंने कहा है कि करीब 2 दशक तक राज्य का विकास नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को नई दिशा देने का काम शुरू किया था। वे झारखंड का नव निर्माण इस तरह करेंगे जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेहतर समाज और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में सरकार के कदम बढ़ चुके हैं। सरकार की योजनाओं और नीतियों का समाज में सकारात्मक असर दिख रहा है। हम अपने वीर शहीदों और आंदोलनकारियों को सपनों का झारखंड बना रहे हैं। झारखंड में एक साथ 26 थाना प्रभारी का ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जिले के 26
थानों में नए थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर सभी नए थाना प्रभारियों को प्रभार लेने का निर्देश दिया गया। इसमें एससी एसटी थाना प्रभारी मंजू कुमार कैत, थाना प्रभारी बाल संरक्षण थाना महिला सदर एवं अतिरिक्त प्रभार थाना प्रभारी एएसटीयू चाईबासा विनीता हेमराम, आनंदपुर थाना प्रभारी प्रिंस की जिम्मेदारी दी गई है। शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा है कि बीरों और उलगुलान की इस धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। इस प्रदेश को इस तरह सवारेंगे कि यहां किसी के साथ कोई भेदभाव और अन्याय नहीं होगा। सभी को पूरे मान सम्मान के साथ हक अधिकार प्राप्त होगा। सोरेन रविवार को साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडीह में आयोजित अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम अपने वीरों की शहादत ना कभी भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं होने देंगे। झारखंड का नव निर्माण इस तरह करेंगे जहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका होगा। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को भेजा गया जेल, बैद्यनाथ राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची के मोराबाद स्थित बापू वाटिका के समक्ष 11वें दिन रविवार को लातेहार जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव की अध्यक्षता में उपवास कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर मौजूद लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा है कि एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। केंद्र सरकार स्वतंत्र जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड में चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का कोशित प्रयास किया गया। आगामी चुनावों में झारखंड की जनता इसका माकूल जवाब देगी। जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने कहा है कि केंद्र के तानाशाही रवैया के खिलाफ हम सभी झामुमो के कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैराथन फॉर ट्राइबल 950 आदिवासी युवक युवतियां दौड़े। कुशल एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से अयोध्या हिल पर मैराथन फॉर ट्राइबल का आयोजन किया गया। 5, 10 और 21 किलोमीटर की इस मैराथन में 1600 धावकों ने भाग लिया। इसमें लगभग 950 आदिवासी युवक युवतियां शामिल हुए। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और मुंबई के विख्यात टीवी कलाकार रणविजय सिन्हा ने मैराथन को झंडा दिखाकर रवाना किया। मैराथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वालों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। सभी धावकों को पूर्णता मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सीएम आवास में जेएमएम का मिलन समारोह, 3000 लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने राजधानी रांची के कांके रोड स्थित आवास में लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलन समारोह हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हेमंत सोरेन को केंद्र प्रताड़ित कर रहा है। इसके विरोध में झामुमो का यह मिलन समारोह एक जन आंदोलन है। समारोह में 3000 लोगों ने झामुमो की सदस्यता ली है। रविवार को चंपई सोरेन ने कहा है कि झामुमो मिलन समारोह में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के साथ साथ अलग अलग दलों के हजारों लोगों ने पार्टी का दामन थामा। करीब 3000 युवाओं, जिनमें महिलाएं भी हैं, ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आस्था जताते हुए झामुमो का झंडा थामा है। लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी समाज ने दिखाई ताकत। कुर्मी समाज के हुंकार महारैली में मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा है कि अब समाज अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सचेत हो चुका है। कुर्मी समाज को सभी राजनीतिक दलों ने छलने का काम किया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुर्मी जनजाति को धोखे में रखकर अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया। अब बीजेपी छलने का काम कर रही है। यदि केंद्र सरकार कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं करती है और कुर्मी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वे रविवार को मोराबादी मैदान में आयोजित हुंकार महारैली को संबोधित कर रहे थे। ऑनलाइन सट्टेबाजी कारोबार में 7 गिरफ्तार। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रांची पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े ये सभी लोग बोकारो और धनबाद के रहने वाले हैं। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एसएसपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। बता दें, एसएसपी ने बताया है कि शनिवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की राजधानी रांची के कुछ लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए ठगी का काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने देवघर में सिटी गैस प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर के एक बैंकवेट हॉल में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व देवघर विधायक नारायण दास की उपस्थिति में देवघर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया, गोड्डा व दुमका के लिए शिलान्यास किया। हरदीप सिंह पुरी ने देवघर की गृहिणियों की बहनों को बधाई देते हुए कहा कि पाइपलाइन गैस सस्ती व सुरक्षित है। अगले 5 साल में पाइपलाइन व सिलेंडर गैस से पूरे झारखंड को जोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2027 तक झारखंड का हर घर गैस कनेक्शन से जुड़ा रहेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एनर्जी गैस में प्राकृतिक गैस का योगदान 6% से बढ़ाकर 15% तक किया जाना है। झारखंड में चुनावी शंखनाद करने आ रहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम टल चुका है। इस बार राजनीति स्थितियों को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम को तय मानकर इसमें जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद में सिंदरी खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। धनबाद गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री इन 3 लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात भी करेंगे, उन्हें चुनावी सफलता के लिए सुझाव देंगे और जनता से संवाद करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में लग जाएगी। लोहरदगा में 2 नाबालिग से दरिंदगी। लोहरदगा के बड़गू थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात को कुल 11 लोगों ने अंजाम दिया है। इन 11 लोगों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। घटना के सूचना मिलने के बाद बड़गू थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ घटना में शामिल सभी 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पकड़ में आए आरोपियों में 3 नाबालिगों को गुमला स्थित बाल सुधार गृह में भेजने की कार्रवाई कर ली जा रही है, जबकि शेष 8 लोगों को मंडल कारा लोहरदगा भेजा जाएगा। इस घटना के बाद ग्रामीणों की काफी भीड़ बड़गू थाना के बाहर जमा हो गई है। बता दें, सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी कर सभी 11 लोगों को पकड़ा गया है। झारखंड में बिजली उत्पादन करने की क्षमता 6200 मेगावाट लेकिन मिलती है 1300 मेगावाट। झारखंड में स्थापित पावर प्लांट की क्षमता 6200 मेगावाट है, जबकि आमतौर पर 1600 मेगावाट की जगह मुश्किल से 1300 मेगावाट बिजली मिल पाती है। बरसात के मौसम में ही 1600 मेगावाट बिजली मिल पाती है। इसका कारण है कि पूरी क्षमता से पावर प्लांट से उत्पादन नहीं होता है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़कर 2500 से 3000 मेगावाट तक हो जाती है। इस मांग की पूर्ति के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। एनटीपीसी के राज्य के बाहर स्थित प्लांट से 700 मेगावाट बिजली ली जाती है। वहीं हाइडल व सोलर से करीब 300 मेगावाट तक बिजली मिल पाती है। शेष बिजली पावर एक्सचेंज से खरीद कर आपूर्ति की जाती है। पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर JBPL को प्रति यूनिट 12 रुपये तक भुगतान करना पड़ता है। धन्यवाद।